ऑल राइट तो आपको लगता है कि आपकी कुछ ऐसे हैबिट्स है जो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो जी भाई साहब, हो सकती है 5 ऐसे हैबिट्स जो आप डेली लाइफस्टाइल में करते हो जिसकी वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी हेयर की क्वालिटी काफ़ी हद तक गिर सकती है। और आपका एक कमिटमेंट चाहिए, जिस टाइम पर ये वीडियो ख़त्म होगी आपकी आदतें भी वही ख़त्म करनी होगी। सॉर्टेड, सो शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माई नेम इज़ प्रदीप बोरडे, दिस इज सिंप्लीफाइड लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉगिंग चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले और सबसे कॉमन सी आदत, मतलब देखो भाई साहब, जब भी आप नहा कर निकलते हो उसके बाद आपका फेस कोल्ड पानी से वॉश कीजिए। देखो काफ़ी लोगों को मतलब वियर्ड लगेगा, बट इसका एक रीज़न है। जब भी आप गर्म पानी से नहाते हो उसके बाद आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके इन्वायरमेंट के जो भी पार्टिकल्स वगैरह और जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हो इसके वजह से आपकी स्किन जल्दी अफेक्ट होती है। मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है आपकी स्किन के ऊपर अच्छी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पर आपकी स्किन की दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज से और अभी से शावर, और जब भी आप नहा कर निकलते हो तो उसके बाद, नहाने के तुरंत बाद आपका फेस कोल्ड पानी से वॉश कीजिए। कोल्ड पानी से वॉश करने के बाद क्या होगा, आपके जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से फॉरेन पार्टिकल्स आपके पोर्स पर अटैक नहीं कर पाएंगे और आपकी स्किन की क्वालिटी भी इससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। जी थैंक्स मी लेटर। दूसरी कॉमन सी बात, देखो अभी काफ़ी लोग ये गलती भी करते हैं जो कि होता है टचिंग योर फेस। मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में कहा है कि भाई साहब आपके शक्ल को अपने हाथों से ख़राब ना कीजिए। देखो हमारे जो हाथ होते हैं उस पर लाखों करोड़ बैक्टीरिया होते हैं जो सीधा हमारे फेस के ऊपर अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वहाँ पर पिंपल्स की और आपकी एक्ने की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। जी इसलिए आपके हाथों को फेस से हमेशा दूर रखिए। जी आप इसका अल्टरनेटिव मतलब आप हैंडकरचीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फेस वाइप्स आते हैं इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जी काफ़ी सिंपल। जी नंबर तीसरी हैबिट, मतलब पॉपिंग योर पिंपल्स, आपके पिंपल्स को फोड़ना। देखो ये इतनी चूल क्यों होती है मतलब लोगों के अंदर की, अगर पिंपल आपको आया है तो उसे हाथों से दबा दबा कर उसे फोड़ देना, और पता नहीं उन लोगों को कौन सा सुख प्राप्त होता है जिसके वजह से वो पिंपल्स उनके फोड़ते हैं। जी सुख का तो पता नहीं मुझे, हैप्पीनेस का तो पता नहीं मुझे, बट आपको एक्ने और जो पिंपल मार्क है वो ज़रूर मिलेंगे। जी गारंटीड। तो भाई साहब अभी से आपके पिंपल्स को फोड़ना बंद कीजिएगा। जी नंबर चौथी बात, मतलब टॉवल्स का लेकर। देखो भाई साहब आप में से काफ़ी लोगों को दो टॉवल्स नहीं होंगे। जी मतलब बॉडी के लिए और फेस के लिए अलग। जी अब काफ़ी वियर्ड भी लगेगा, भाई साहब बॉडी के लिए और फेस के लिए अलग क्यों? तो इसका एक रीज़न है, आपका बॉडी का जो टॉवल होता है उससे आप आपके अंडर आर्म्स भी पोंछते हो, और अगर वही टॉवल आप आपके फेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो जी आपको अभी जैसा लग रहा है वैसे ही आपके फेस को भी लगता होगा, इसलिए अलग अलग टॉवल इस्तेमाल कीजिए। फेस के लिए आप कुछ इस तरह का एक सॉफ्ट टॉवल इस्तेमाल कीजिए जो आपके स्किन के ऊपर से काफ़ी लाइटली, काफ़ी स्मूथली वाटर वगैरह जो होता है वो रिमूव करे, और आपकी स्किन की क्वालिटी भी इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जी और नंबर फिफ्थ, मतलब जी अगर मैंने ये बात बताई तो भाई साहब काफ़ी लोग मुझे ही बोलेंगे भाई तू भी करता है। जी जो कि होता है आपके बालों के ऊपर से बार बार हाथ फेरना। जी आई एग्री, मैं काफ़ी दफ़ा करता हूँ, मेरे जो काफ़ी दोस्त वगैरह हैं उनको भी पता है। बेसिकली होता है कि आपके हाथों के ऊपर, जैसे कि मैंने कहा था, आपके हाथों के ऊपर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आपने आपके बालों के ऊपर से हाथ फेरे तो वही बैक्टीरिया आपके बालों के ऊपर जाएंगे और आपकी स्काल्प की क्वालिटी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। एक खास बात, काफ़ी लोगों को रिसेंडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है जिससे आपके यहाँ के बाल पीछे पीछे होते जाते हैं, इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए आपके बालों पर कंटिन्यूसली हाथ फेरना बंद कीजिएगा। जी सो वीडियो ख़त्म होने वाली है और आपकी आदतें भी इसी टाइम ख़त्म होने वाली है, और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, जिसके लिए एक लाइक अभी से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अभी से कर दीजिएगा। जी सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कहा मैंने, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए,
कोई क्वेरीज अगर हो तो इंस्टाग्राम पता ही आपको, इंस्टाग्राम जाकर एक बार चेक कीजिएगा, डेली रील्स, डेली स्टॉप, डेली स्टोरीज अपलोड हो रही है, काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो शायद आप जी। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग, प्रतीक बोरुड़े साइनिंग आउट।